साल 2020 बॉलीवुड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बॉलीवुड के छोटे से अंतराल में ऐसे नायाब हीरो को खो दिया है कि अब उनकी हमेशा हमें कमी महसूस होने वाली है। इस लिस्ट में नाम जुड़ गया है महान कोरियोग्राफर सरोज खान का, जिनका शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। सरोज खान कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन वो यूं सभी को अलविदा कह जाएंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। सरोज खान के निधन पर फैंस तो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इंडस्ट्री के दिग्गज भी कोरियोग्राफर को याद कर भावुक हो रहे हैं। हर बड़ा सितारा सरोज खान के निधन से दुखी है, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहा है। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला सरोज खान के निधन से सदमे में हैं। उन्हें उनके साथ बिताए पुराने दिन याद आ गए हैं। वो ट्वीट करती हैं, सुबह उठते ही ये दुखद समाचार मिला। मैं बचपन से ही क्लासिकल डांस सीखी हूँ। सरोज खान ने मुझे डांस सिखाया था जब मैंने फिल्म करियर शुरू किया था। वो एक सख्त कोरियोग्राफर थी और महान भी। वहीं फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी अपना दुख जाहिर किया। वो ट्वीट करते हैं, सुबह उठते ही मुझे सबसे बुरी खबर मिली। सरोज खान मास्टर ऑफ आर्ट थी, उनका मुझे हमेशा प्यार मिला। मैंने उनके साथ फिल्म गोल में बिल्लो रानी गाने पर काम किया था। उनकी आत्मा को शांति मिले। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी सरोज खान के निधन से दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। वो लिखते हैं, मुझे दुखद समाचार मिला कि लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान हमारे बीच नहीं रही है। उन्होंने डांस को इतना आसान बना दिया था कि मानो हर कोई डांस कर सकता है। इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा नुकसान है। उनकी आत्मा को शांति मिले। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर सरोज खान के निधन को एक युग का अंत मानते हैं। वो लिखते हैं, मुझे दुख है कि सरोज खान अब हमारे बीच नहीं है। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है। उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं डायरेक्टर कुणाल कोहली सरोज खान को याद करके भावुक हो गए हैं। उन्होंने भी उनकी याद में एक इमोशनल नोट लिखा है। वो लिखते हैं, मेरी सरोज खान के साथ लंबी साझेदारी रही है। अब आपने मुझे छोड़ दिया है। मैं वो काम जरूर पूरा करूंगा जिसके बारे में हमने बात की थी।